शौक है लोगों की इनकम बढ़ाने का। क्या है? पैसा ज्यादा कैसे कमाए उसको सिखाने का शौक है। मैं दूसरी बातें ज्यादा नहीं करता, सीधे पॉइंट टू पॉइंट पे आता हूं। आपका उत्साह देख के बहुत अच्छा लगा। पहली चीज, सेल्स वालों में ये उत्साह होना चाहिए। तो एक बार अपने लिए फिर एक बार खूब प्यारी ताली। सेल्स जिसको भी चुनती है ना, उसको तीन तरह के बेनिफिट्स देती है। कितने तरह के? जो पहला बेनिफिट होता है ना, राइट योर चेक। सेकेंड होता है मैक्सिमम चांस ऑफ फॉर स्किल डेवलपमेंट, मतलब आप स्किल डेवलप कर सकते हो इसी प्रोफेशन में, बाकी झाड़ू लगाने वाले में कुछ नहीं कर सकते आप, कर सकते हो क्या? और तीसरा कंपाउंडिंग अर्निंग। क्या होगा? देखो, राइट योर चेक, चेक को लिखने की क्षमता, खुद के चेक को लिखने की क्षमता, खुद की सैलरी को डिसाइड करने की क्षमता कौन देती है? सेल्स। बाकी कोई प्रोफेशन है? हाँ, वहां जाके बोल सकते हो 50,000 रुपए चाहिए मुझे अगले महीने, हाँ देंगे। बट और कोई सी भी ऐसी जगह नहीं है जहां पे आप मालिक को बोल सकते हो, मालिक आपको रिप्लेस कर देगा। सिर्फ एक ही जगह, दैट इज सेल्स, जहां पे आपको चेक लिखने की क्षमताएं देती है। तो ये सबको अपनी सैलरी लिखने का हक है क्या? लेकिन आपको 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 मार्कशीट डजंट मैटर, कोई मार्कशीट से फर्क नहीं पड़ता सेल्स। अगर आप ये कभी करने जाते ना, सबसे पहले तो आपसे पूछते हैं नंबर कितने हैं। लेकिन सेल्स ये नहीं पूछती, सेल्स ये कभी भी नहीं पूछेगी आपसे कि आपके नंबर कितने हैं। वो आपको सारी अपॉर्चुनिटी देगी कि आप 300 करोड़ रुपए भी बना सकते हो विदाउट नंबर। मनी डजंट मैटर, पैसा मैटर नहीं करता है सेल्स के लिए। पैसा आपके पास कितना पैसा है, आपके मम्मी पापा के पास कितना पैसा है, सेल्स में मैटर नहीं करता। एक आदमी फटेहाल, एडविन सी बंस नाम था उनका, मतलब बैठे थे और दिमाग में ख्याल आया कि यार मैं है ना थॉमस अल्वा एडिसन का पार्टनर बनूंगा, जिसके जेब में उस समय, अगर अपने यहां से माने डॉलर की बात करूं मैं, 5 रुपए भी नहीं होंगे उनके पास। सोच क्या रहा है? सोचने का मना करा गया किसी को? थॉमस अल्वा एडिसन, जिनने बहुत सारे आविष्कार किए, 2000 से ज्यादा पेटेंट कराए, उनका पार्टनर बनूंगा। अब बंदा बिगर पैसे में ट्रेन में सफर करके और कहां चले जाता है? उनके पास, और खड़ा होता है, बोले मुझे आपका पार्टनर बनना है। पार्टनर बनना है, बंदे का कॉन्फिडेंस देख के बोलता है चल देखो स्वीपर की जॉब तो जरूर दूंगा। किसकी? झाड़ू लगाने वाले की। तो अब जिसके दिमाग में पागलपन होता है ना, वो पहले ग्राहक की एंट्री ले रहा है पहले। बोले चलो ठीक है, झाड़ू लगाने का जॉब करना शुरू किया। 2-3 साल गुजरे, एक बार एडिशन डिटेक्टिंग मशीन बनाई इनने, बट उसको कोई सेल्समैन बेचने वाला नहीं था। तो बंदा बोलता है मैं बेचूं? मौका मिला, मशीन ऐसी बेची कि एडिशन आविष्कार करते थे और ये जो बंस थे ये बेचते थे, और जितने पैसे उनने कमाए उतने ही पैसे इन्होंने कमाए। फर्क नहीं पड़ता है कि आपके पास पैसा है कि दिमाग, जज्बा, पागलपन, ये सब होने की जरूरत। दूसरा जो बेनिफिट आपको सेल्स देगी वो है मैक्सिमम चांस फॉर स्किल डेवलपमेंट। मैंने अधिकतर ना गांव से आए हुए लोगों को भी देखा है, बट वो अगर 3-4-5 साल सेल्स में गुजार देना, बंदा अलग ही बात करने लगता है यार, एकदम उसकी चाल ढाल रंगत सब कुछ चेंज हो जाता है उसका। हर साल सेल आपको एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा देती है। हर साल आपके अंदर बहुत चेंजेस आते हैं। कभी सोचा था टाई वाई लगाकर काम करेंगे? सेल्स की ताकत, वो टाई भी लगवा देगी, वो आपको जेंटलमैन बना देगी। ये सिर्फ सेल्स की ताकत है। एक बुक है आउटलायर्स,
10,000 घंटे का रूल है उसके अंदर, 10,000। कोई भी फील्ड हो, लाखों जीनियस लोगों पे रिसर्च किए, अगर आप 10,000 घंटे को एक फील्ड में दे दें तो आप उसके जीनियस बन जाएंगे। कितने घंटे? 10,000 घंटे अगर आप कोई भी फील्ड में दे दें आप उसके जीनियस बन जाएंगे। अगर आप झाड़ू लगाने में 10,000 घंटे दे दें तो आप झाड़ू लगाने के जीनियस बन जाओगे, बस आपको 5-स्टार वाले रख लेंगे किसी भी फील्ड में, जीनियस। बट एक बात कहिए इन्होंने ही कि अगर कोई बंदा सेल्स में 10,000 घंटे दे दे, बंदा पैसे बनाने सीख जाएगा। क्या सीख जाएगा? बंदा 10,000 घंटे दे दे तो। बट एक विडंबना है, अपने अंदर रही हुई मक्कारी है, अपने आप से किया गया धोखा है कि एक सेल्स का बंदा, कोई कोई तो ये 10,000 घंटे 3 साल में अचीव करते हैं, कोई 30 साल में, और किसी को 3 जन्म लग जाते हैं। 10,000 घंटे का नियम है, अगर ईमानदारी से जिस दिन भगवान के सामने ऐसे हाथ रख के बोल दोगे ना कि हां मैंने ईमानदारी के साथ 10,000 घंटे दिए हैं, मैं तुमको गारंटी बोलता हूं 50,000 से 1,00,000 रुपया तुम्हारा इस स्केल पे तुमको मिलने लग जाएगा। बाकी वो ईमानदारी जो शब्द आ गया ना बहुत खतरनाक है। चला 10 बजे निकले, चाय के ठेले पे रुके, 1 घंटा चाय के ठेले पे रुके, और हम बोलते हैं रात को 8 घंटे काम किया, वो 1 घंटे क्या किया था? तो ऐसे करते करते 15 साल 20 साल 25 साल 30 साल निकल जाते, वो 10,000 घंटे कंप्लीट नहीं होते। तो आज भी चांस है इस ट्रेनिंग में भी कि आप अपने अंदर कुछ चेंजेस ले आओ, बहुत सिंपल रूल से। पैसा बनाने के कोई बड़ी बात नहीं है। तीसरा बेनिफिट, चांस ऑफ कंपाउंडिंग अर्निंग। चक्रवर्ती समझते हो, सिर्फ सेल्स के बंदे को एक ऑफर मिलता है भगवान की तरफ से कि वो कंपाउंडिंग अर्निंग कर सकता है, मतलब वो टीम बना सकता है और टीम काम करेगी और बंदा उसके भी पैसे खा सकता है। कर रहे हो ना सर? अगर कुछ दूसरा काम करते, मोटर वोटर सुधारते तो ऐसा हो सकता था क्या? जितना काम करते उतने पैसे मिलते। यहां तो ये बोलते छुट्टी में पैसा काटते, और इधर आप छुट्टी भी मारोगे तो टीम काम करती है। सिर्फ इसी जगह पे कंपाउंडिंग अर्निंग का भी नियम है अगर आप सेल्स ईमानदारी से कर लो तो। 3 बेनिफिट होते ही हैं। कितने? सेल्स सर्वाइवल रेशो बहुत कम होता है। कहते हैं सेल्स में आते तो बहुत लोग हैं लेकिन केवल 5% लोग ही पैसा बनाते हैं। कितने परसेंट? 5% मात। बाकी ये जो 20% है ना, इनकी गति बहुत धीरे धीरे, ये आराम आराम से चलेंगे। पीछे से कोई ठोकेगा तो थोड़ा और चलेंगे, फिर रुक जाएंगे, फिर एक ठोकेगा, फिर रुक चलेंगे, फिर रुक जाएंगे। इसके बाद जो 15% लोग होते हैं ना, इनकी गति फास्ट और धीरे दोनों होती रहती है। सीजन आया भागो, ऑफ सीजन आया सो जाओ, सीजन आया भागो, ऑफ सीजन आया सो जाओ, अभी तो काम ही नहीं है। इनकी गति धीरे तेज होती रहेगी, और ये 60% लोग तो सेल्स ही छोड़ देते हैं। क्यों मालूम है? सेल्स निकम्मे लोगों को लात मारती है। सेल्स निकम्मे लोगों को लात मारती है। ये 3 घंटे में जो ट्रेनिंग लिया वो बहुत सारी चीजें रिलेट किया, मैं भी रियलाइज किया। आज से आपको याद होगा, 1 साल पहले अपन ने लास्ट ईयर 2.5 करोड़ का टर्नओवर क्रॉस किया था, राइट, कंप्लीट किया था। इसके बाद अपन ने प्लान किया कि इस साल अपन 10 करोड़ का टर्नओवर क्रॉस करेंगे, और आज अपन 5 करोड़ कंप्लीट कर चुके हैं। इस मंथ के अकॉर्डिंग 5 करोड़ ऑफ ऑप्शन क्या क्या आए, तो वो जो सोचा अपन ने वो हुआ। तो आज ट्रेनिंग के अंदर यही चीज अपने को सीखने को मिला और रियलाइज हुआ कि ब्रेन का पावर बहुत बड़ा पावर है माय डियर फ्रेंड्स।
आज सर की वजह यहाँ खड़े होने का, आज ये ट्रेनिंग प्रोग्राम की वजह भी क्या है? अगर कहीं ना कहीं 10 करोड़ का प्लान नहीं करते और वही 2-3 करोड़ का प्लान करते तो कंप्लीट हो गया होता। क्या जरूरी था और बिजनेस बढ़ाए या और आपके अंदर एनर्जी लेके आए या और आपको आगे बढ़ाए? तो माय डियर फ्रेंड्स, ये ब्रेन का पावर है और आज टोटल सेशन उसी के ऊपर हुआ और बहुत ही शानदार अल्टीमेट सेशन रहा, बहुत एनर्जी। और मैं चाहता हूं कि ये एनर्जी कंटिन्यू अपन रखें जब तक ये सर डबल से नहीं आए। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, बहुत अच्छा लगा सर।